हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और नए वीडियो में। अभी नवरात्रि का समय चल रहा है तो हम आ गए हैं पटना जंक्शन। अभी फिलहाल पटना जंक्शन पर यहाँ से चलेंगे और बड़ी पटन देवी, जी हाँ बड़ी पटन देवी को दर्शन कराएंगे और आपको बताएंगे कि नवरात्रि में किस तरह का वहाँ का मान्यता है और क्या खासियत है वहाँ का। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और सारी इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड देंगे। तो चलते हैं पटना जंक्शन से और बड़ी पटन देवी तक का सफर तय करते हैं और आपको भी बताते हैं और दिखाते हैं, तो बने रहिए वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं बड़ी पटन देवी का ये शानदार यात्रा। चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में स्थित पटन देवी माता 51 शक्तिपीठों में से एक हैं, जिनके सती माता के यहाँ पे जांघ गिरे थे, यानी पैर का वो भुजा गिरा था, जिससे यहाँ पे पटन देवी माता का स्थान हुआ। फाइनली पटन देवी मंदिर के परिसर में आ गए हैं, अंदर चलते हैं, दिखाते हैं। अभी मॉर्निंग का समय है, देख रहे हैं, और दुकानें खुल चुकी हैं, प्रसाद ही आप ले सकते हैं बाहर से। इस तरह की दुकानें हैं सामने। बड़ी पटन देवी माता का प्राचीन मंदिर, बाहर से कुछ इस तरह का नज़ारा है। लेकिन कितना भीड़ है, मतलब मॉर्निंग में भी इतना भीड़। अभी नवरात्रि चल रहा है ना, तो नवरात्रि में आना यहाँ पे बहुत ही महत्व रखता है। देखते हैं अंदर जाने का क्या प्रोसेस है और किस तरह से अंदर जाया जाएगा। चप्पल जूता रखने का व्यवस्था सब दिखाते हैं आपको। अगर आप नवरात्रि के समय जाते हैं तो लगभग आपको 1 किलोमीटर के आसपास लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होता है इन नवरात्रि के 9 दिनों में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पूरे लंबे करतार है जहाँ पे हमने इस लाइन में लगा। आप सभी को अच्छे तरीके से वीडियो दिखाने के लिए इस करतार में हम भी शामिल हुए और लगे, और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कितने देर में हम पहुँचते हैं मंदिर पर। और आप बने रहिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में। तो देखते हैं कब तक आगे पहुंचते हैं और दर्शन कब तक होता है आप सभी को, कब तक कराते हैं। और यहाँ जब आइए तो सबसे पहले आप प्रसाद ही लीजिए, और जो भी आपको प्रसाद में लेना है वो आप यहाँ से ले सकते हैं, और अपने जूता चप्पल इन्हीं दुकानों पर खोल दीजिए, और जब वापस आइए तो इन्हें पैसा पे कीजिए और अपना सामान लेकर वापस जाइए। बहुत लंबा लाइन है यार दोस्तों। यहाँ से सामने गेट दिख रहा है, वही मेन गेट है। हमने करीब 2 घंटे तक लाइन में लगा ताकि आप सभी को दर्शन हो सके सही तरीके से अंदर जाकर। वैसे बाहर से भी हम करके जा सकते थे, बट आप सभी को दर्शन कराने के लिए हमने लाइन में लगा और 2 घंटे के बाद अभी तक यहाँ पहुँचे हैं। चलते हैं अंदर, देखते हैं कब तक अंदर पहुँचते हैं। यही पटन देवी माता का मुख्य द्वार है, सामने भी दिख रहा है, यहीं से हम अंदर प्रवेश करेंगे। मुख्य द्वार पर पहुंचने वाले हैं, भीड़ है लेकिन थोड़े देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं अंदर। और ऐसा भी कहा जाता है कि 1912 में पटन देवी माता के नाम पर ही बिहार के राजधानी के नाम पटना पड़ा, और उन्हीं के वजह से आज बिहार का जो पटना है वो फेमस हुआ और इतना चर्चित हुआ। ये देख लीजिए शक्तिपीठ श्री श्री बड़ी पटन देवी माता जी का आप इस वीडियो में दर्शन कर रहे हैं दोस्तों। नवरात्र में यहाँ दर्शन करना एक अलग ही महत्व रखता है, इसके वजह से नवरात्र के 9 दिन यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलता है। तो भक्तों मंदिर परिसर में पहुंच गए हैं, देख रहे हैं माता रानी का दरबार कुछ इस तरह से भक्तों से भरा हुआ है, और नवरात्रि चल रहा है जिसके वजह से भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। 51 शक्तिपीठों में प्रसिद्ध माँ पटन देवी का एक दरबार देख रहे हैं, कितना खूबसूरत तरीके से यहाँ पे सजाया गया है और लोगों का भीड़ देखिए बहुत ज़्यादा है। और यही सामने हम आपको पटन देवी जी का दर्शन कराएंगे। एकदम पास से तो वीडियो नहीं बना सकते हैं क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिखाएं। आ गए हैं अंदर, कितना भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। अगर आप आना चाहते हैं, अगर पटना से हैं तो जितना सुबह हो सके 3-4 बजे आ जाइए। ये जो सामने दिख रहे हैं वही मेन पटन देवी माता है, उनका दर्शन कीजिए। नवरात्र के 5 समय में सामने दिख रहा है एक पटन देवी माता का तस्वीर है। तो दोस्तों हमने अच्छी तरीके से मंदिर में दर्शन कर लिया, इसी मंदिर के पीछे इसी में माता पटन देवी जी का स्थान है, इसी मंदिर के बाहर, और बाहर कुछ इस तरह का लुक है।
और इसके चारों तरफ उतना तो जगह नहीं है, लेकिन देखिए एक और मंदिर का निर्माण हो रहा है, अच्छे कंस्ट्रक्शन के तौर पर यहाँ पर बनाया जा रहा है और जगह कुछ इस तरह से यहाँ पे स्पष्ट है और शहर के बीचों बीच है, तो कुछ आस पास इसके कुछ काफ़ी जगह नहीं है। पूजा पाठ आप अंदर आकर आराम से भी कर सकते हैं। और यहाँ आने की बात करें तो पटना स्टेशन से 20 रुपया देकर अगम कुआं आ जाइए और अगम कुआं से 10 रुपया देकर आप यहाँ आ जाइए, यानी टोटल 30 रुपया लगेगा और आप यहाँ आसानी से, ऑटो अवेलेबल है, आप आसानी से आ सकते हैं। तो दोस्तों करीब 2-3 घंटे के लाइन लगने के बाद फाइनली हमने दर्शन किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और अगर यहाँ आए हैं तो भी कमेंट में बताइएगा, और आना चाहते हैं अगर पटना से हैं तो आप जितना सुबह आइए भोर में आइए, अगर पटना के बाहर हैं तो आप सुबह आते हैं तो ठीक है, ना तो आप 12-1 बजे के बाद आइए तो आपको भीड़ कम मिलेगा, वरना बहुत ज़्यादा भीड़ का सामना करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।